आम तौर पर हम प्याज का किसी सब्जी को बनाने में या फिर सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। आज हम प्याज की भुजिया बनाने जा रहे हैं। शायद ये आप लोगों ने कहीं खाई भी होगी, पर यह रेसिपी एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। आम तौर पर जब घर में बनाने को कुछ नहीं होता, तब इस रेसिपी को बना लिया जाता है। मैं आप सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ प्याज को रफली चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज के पीसेस काफी मोटे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको यहाँ कच्चे प्याज का यूज नहीं करना है। यहाँ मैंने लगभग एक मुट्ठी लहसुन लिया है, जिसे मैंने लॉन्ग शेप में चॉप कर लिया है। 8 से 10 हरा मिर्चों को काट लिया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लहसुन और हरा मिर्चा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने एक पैन में लगभग 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही लहसुन और हरा मिर्चों को इसमें डाल देंगे और अगले 1 से 1.5 मिनट तक मध्यम आंच पर फ्राई करेंगे। यहाँ हमको लहसुन और हरा मिर्चा को अगले कुछ सेकंड तक लगातार चलाते रहना है। हमको ध्यान रखना है लहसुन और हरा मिर्चा बहुत ज्यादा ना पके। ज्यादा पकने से लहसुन और हरा मिर्चा दोनों ड्राई हो जाएंगे और खाने में थोड़ा हार्ड लगेंगे। चलिए, अभी लहसुन और हरा मिर्च फ्राई हो चुका है, हमको इसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है और इसको अगले 1 मिनट तक चलाते रहना है। चलिए अब हम इसको कुछ देर तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। इससे नीचे वाला प्याज कैरामलाइज हो जाएगा और रेसिपी में एक नेचुरल स्वीटनेस आ जाएगी। यहां पर भी हमको बहुत ध्यान रखना होगा कि प्याज को ज्यादा देर तक कुक ना किया जाए। चलिए एक बार हम प्याज को चेक कर लेते हैं। हम लगातार प्याज को चला रहे हैं। अब प्याज काफी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, लगभग 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और लगभग 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल देंगे और इन सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगले कुछ सेकंड तक इन सभी मसालों को प्याज के साथ पकने देंगे। अब प्याज अच्छे से नरम हो चुका है और यह पूरी तरीके से तैयार है। चलिए फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है जो आपको सिर्फ रोटी या फिर पराठों के साथ ही अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आशा करता हूं यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।